लेस के लिए अर्मेनियन निडल लेस की फाउंडेशन रो बनाएंगे। इस तरह से नॉट लगा के एक एंड से निकालेंगे और ये सेम जगह पे एक नॉट लगानी है। इस तरह से थ्रेड रखेंगे और ये जो अटैच थ्रेड है यहाँ पर इस तरह से एक रैप लगाते हुए इसे पुल कर देना है नॉट को, इस तरह से। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे सिंगल स्टिचेस बनाएंगे, ऐसे रखेंगे थ्रेड को। ये निडल के ऊपर है ये थ्रेड, और इसे इसके पीछे से इस तरह से डालेंगे और लूप बनाते हुए इसे पुल करना है, स्मॉल लूप्स इस तरह से। और जब नॉट लगाते हैं तो टाइटली पुल करना है, हमारी नॉट ओपन नहीं होना चाहिए, इस तरह से। तो ये रो को इस तरह से कंप्लीट करें। सेकेंड रो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने नॉट टाई कर दिया है और इसे ये स्टार्टिंग पॉइंट पे हाइड करते हुए यहाँ से ही थ्रेड को निकालेंगे इस तरह से। और इसे यहाँ पर ये जो फर्स्ट स्पेस है यहाँ पर निडल के ऊपर थ्रेड रखते हुए यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे, नॉट को टाइटली पुल करें इस तरह से। अब यहाँ से सेकेंड स्पेस में जाएंगे और एक सिंगल स्टिच बनाएंगे इस तरह से। थर्ड स्पेस में जाएंगे, सिंगल स्टिच बनाएंगे। अब हमें ये स्पेस में फिर से आना है, ये जो लास्ट हमने स्टिच बनाई है, और यहाँ पर इस तरह से थ्रेड रखते हुए एक स्ट्रेट स्टिच बनाएंगे, लूप नहीं बनाना है इस तरह से। और इसे भी टाइटली नॉट को टाइट कर देंगे, पुल करेंगे। अब यहाँ पर एक लूप बनाना है, तो लूप बनाने के लिए इस तरह से थ्रेड रखते हैं, स्मॉल लूप बनाएंगे और निडल के ऊपर थ्रेड रखा है और इसके ऊपर इस तरह से डालेंगे। और ये टाइट करने के टाइम पे, पुल करने के टाइम पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितना बड़ा लूप बनाना है। तो ये एक स्मॉल लूप बनाया मैंने, वन लूप, इसे भी मैंने पुल करा नॉट को इस तरह से। और एक लूप बनाएंगे यही स्पेस में, सेम साइज का बनाना है। तो पहले थ्रेड को इस तरह से रखेंगे, नॉट लगाएंगे अब इसे देख सकते हैं कि दोनों इक्वल साइज के लूप हैं। इस तरह से होल्ड करेंगे और यहाँ से इस तरह से पुल करेंगे। अब थर्ड लूप बनाएंगे, बड़ा लूप बनाएंगे। नॉट लगाने के टाइम इसे होल्ड करेंगे इस तरह से और साइज को एडजस्ट करेंगे इस तरह से। अब ये स्टिच से हमें नेक्स्ट स्पेस में जाना है, फोर सिंगल स्टिचेस बनाएंगे। वन, टू, थ्री, फोर, अब फोर्थ में हमें पीछे आना है वापस से। इस तरह से रखेंगे निडल के ऊपर और स्ट्रेट स्टिच बनाएंगे। अब ये जो लास्ट जो बड़ा लूप था इस पे निडल को इंसर्ट करना है और यहाँ पर हमें अटैच करना है लूप को। ये थ्रेड इस तरह से रखेंगे, इसे होल्ड करेंगे इस तरह से,
और एक नॉट लगाएंगे। अब पर्ल ऐड करनी है हमें, एक बिग पर्ल लेना है और एक स्मॉल। ये स्मॉल पर्ल को छोड़ के हमें बिग में से निडल को इस तरह से बाहर निकालना है। अब इसे अटैच करेंगे यहाँ पर, ये लूप के अंदर निडल इंसर्ट करते हुए टाइटली होल्ड करेंगे इसे। इस तरह से अब ये लूप को कंप्लीट करना है। तो सेम स्पेस में फिर से थ्रेड इस तरह से रखेंगे। और इसे अटैच कर देंगे। अब ये सेम स्पेस में टू स्मॉल लूप्स बनाने हैं। ये टू लूप्स बनाने के बाद अब हमें कनेक्टेड ये सोलोमन नॉट्स बनाने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं टू लूप्स है और एक बड़ा लूप है। यहाँ पर एक बड़ा लूप है और टू लूप्स है, और यहाँ पर फिर से एक बड़ा लूप बनाएंगे ताकि फिर हम फिर से यहाँ पर फोर्थ स्पेस से पीछे आएंगे तो इसे कनेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से होल्ड करेंगे। और से पुल करते हुए ऑलमोस्ट इतना साइज रखा है हमने, तो वो साइज को भी मेंटेन करना है। नॉट लगाने के बाद हमेशा लूप को एक साइड पुल करना चाहिए, तब वो टाइट हो जाते हैं। तो इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट में फोर स्टिचेस में हमें सिंपल ऐसे ही सिंगल स्टिचेस बनाने हैं, 1 2 3 4, फिर बैकवर्ड आना है और ये सेम फॉलो करना है और इससे कनेक्ट करेंगे जिस तरह से हमने फर्स्ट लूप पे कनेक्ट किया था। तो सेम रिपीट करते हुए ये डिजाइन को कंप्लीट करें।